नमस्कार दोस्तों, आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। अपडेट गुरु हरसाय से आ रही है। गुरु हरसाय के आस्था अस्पताल के बाहर लोगों द्वारा धरना दिया गया। महिला की मौत के बाद परिजनों द्वारा अस्पताल के बाहर धरना लगा दिया गया, जमकर नारेबाजी की गई। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। हमारे प्रतिनिधि वरुण कंधारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके द्वारा यह तस्वीरें हमें भेजी जा रही हैं। गुरु हरसाय का यह मामला है जहाँ पर आस्था अस्पताल के बाहर महिला की मौत के बाद परिजनों द्वारा धरना लगा दिया गया है। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, बने रहे मेरे साथ, देखते रहे मेरा चैनल। कृष्ण सिंह की असली वजह असली वजह मेरी रिश्तेदारी लगती। मेरी सिस्टर ने जी पिंड मेघा राय अठाड़ तो बिलोंग करते हैं, तो वो इस तरह इन्हों का महीने तो लगभग इन्हों का इलाज जो आस्था होस्पिटल है गुरु हर साहिब हिरदे डॉक्टर हिरदे नारायण को चल रहा था। तो इन्होंने उनका स्टेंट वगैरह भी पाया डॉक्टर साहब ने, तो पिछले जो इन्हों प्रॉब्लम हुई तो यह फिर लैके आए तो कहता भी हूँ तुम्हें यह प्रॉब्लम स्टंट कारण हो रही है। स्टंट तो बाद जो इन्हें स्टंट कट के विखाया तो कहता थोड़े जोड़े पत्थरियाँ है गुरदे तो भी वह ऑपरेशन करना पेगा। गरीब परिवार से इन्हें मैं अरेजमेंट कर करके इन्हों का जरा ऑपरेशन कहता भी मैं कर दिना करवाया गया ऑपरेशन कहता भी हो गया थोड़ा ऑपरेशन। जो कल इन्हों की हालत फिर बिगड़ी तो उन्होंने असं लैके आए साढ़े परिवारक मैंबर और रिश्तेदारी जोड़े ने उन्होंने बच्चे उन्होंने पति और रिश्तेदार होर लैके आए तो उन्होंने वेख्या डॉक्टर साहब ने कहता भी इन्हों कोई प्रॉब्लम हो चुकी है तो भी यदा इलाज मेरे को संभव नहीं है, तुम इन्हें एक बार चैकअप करवाओ। उस तो बाद फिरोजपुर जाके किसी एक स्कैन अल्ट्रासाउंड करवाई गई जिद डॉक्टर साहब ने कहा भी यदि पत्थरी हैगी भी यदा कोई ऑपरेशन नहीं होया, जिस कारण इनकी हालत खराब होगी। तो फिर डॉक्टर साहब असी इन्होंने गुजारिश की भी रखो इन्हों का इलाज करो। डॉक्टर साहब कहता भी मैं थोड़ा इलाज करदा जी, इन्हें जी आपकी नाकामी से छुपा वास्ते इन्हें कहा भी हूँ मैं नहीं तो जग जार हो जाऊँगा भी कितने मीडिया से या प्रशासन को मामला गया चला, तो इन्हें क्या उन्होंने दिलासा देता भी मैं थोड़ा इलाज कराँगा। इलाज करने के बावजूद जदों शाम उनकी हालत बिगड़ी तो डॉक्टर साहब साढ़े उन्होंने परिवारक मैंबर ने कहा भी डॉक्टर साहब इन्हों की हालत काफ़ी बिगड़ गई, कोई इन्होंने एसी रूम वगैरह दे दो गर्मी बहुत है। पर इन्होंने डॉक्टर साहब कहता भी तुम्हें वार्ड ही रहना पड़ेगा। सारी रात वो मरीज तड़फदा रहा है, कोई इन्नी नहीं केयर की गई। उस बाद जो सवेरे इन्हों की हालत बिगड़ी है तो डॉक्टर साहब को फिर दे दो गर्मी बहुत है। पर इन्होंने डॉक्टर साहब कहता भी तुम्हें वार्ड ही रहना पड़ेगा। सारी रात वो मरीज तड़फदा रहा है, कोई इन्नी नहीं केयर की गई। उस बाद जो सवेरे इन्हों की हालत बिगड़ी है तो डॉक्टर साहब को फिर दोबारा वार वार कहते डॉक्टर साहब आए हैं, उन्होंने इन्हों का आके देखा तो देखने बाद एक बोतल लगाई है और एक इंजैक्शन लगाया, जिस तो बाद इन्हों जी सिस्टर है उन्होंने वो काफ़ी तड़फे ने बहुत तड़फे ने जो उन्हों की जान निकली तो उन्होंने मौत हो गई है। हूँ सवेरे तो लैके हूँ शाम के 6:30 होने वाले ने, एक कदे तरह तरह के परिवार को लालच दे रहा है, कदे 10,000 ले लो, कदे 20,000 ले लो, कदे कुछ ले लो जी। ये जिहड़ा लोगों की सेहत नाल पिछले लंबे समय तो यह डॉक्टर है जिहड़ा हिरदे नारायण खिलवाड़ कर रहा है, तो जिहड़ी इहदी लापरवाही की जेकर यह ऑपरेशन करता प्रोपर ऑपरेशन करता तो यह जिहड़ी सीतोबाई की मौत नहीं होनी सी। इहदी मौत खुद जिम्मेवार डॉक्टर हिरदे नारायण और इहदा पूरा स्टाफ है। मैं पंजाब सरकार सेहत मंत्री पंजाब तो मंग करदा कि इंज बाद धरना लगाया गया है, उन्हां दा दोष है कि सीतो राज जिहड़ी मौत होई है डॉक्टर की लापरवाही कारण होई है। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया पत्थरी का, जबकि फाइबर या अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पैंती है कि पत्थरी ऑपरेशन किया ही नहीं गया, की कहना थोड़ा जी? बिल्कुल बिल्कुल नाजायज़ गल हैगी। उसका पहली गल तो मैं कोई ऑपरेशन मैं किया नहीं, जोड़े डॉक्टर साहब आते हैं उन्होंने स्टेंट पाया सी पत्थरी उसके गुरदे में रेशा पिया हुआ सी, और ये गल आज तो 1.5 महीने पुरानी भी है गल। उस समय बिल्कुल ठीक ठाक होकर गई, बिल्कुल ठीक ठाक सी। ये तो कल इन्हों सह चढ़िया, उसके बाद जो इसका एक्सरे कराया तो उसके एक फेफड़े में पूरा पानी भरया सी। पुरानी टीबी की मरीज है, शुगर की मरीज हैगी, इस करके सीरियस सी और जिस दे करके वो नहीं बच सकी। उन्होंने कहना कल केयर करने वास्ते डॉक्टर साहब कहा गया कुछ घंटे केयर की जाए तो सानू अगर फॉरवर्ड कर दिया जाए, तो डॉक्टर साहब ने केयर नहीं की तो लापरवाही करने वास्ते बिल्कुल नहीं। उन्होंने सिर्फ सानू ये कहा असं गरीब हैं पैसे नहीं खर्च कर सकते, जिसके करके मैं उन्होंने फ्री रखा, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उन्होंने दवाइयाँ दी हैं, इलाज किया, सह चढ़न से मैं उन्होंने वेंटिलेटर तक रखा। डॉक्टर साहब परिवार मैंबर ने तुम्हारे लोग कहा जा रहा है कि पुलिस ने बयान जो गलबात हो रही थी कि परिवारक मैंबर वालों पैसे की मांग की जा रही, जबकि परिवारक मैंबर ने अभी इस संबंधी गल की, उन्होंने कहा कि अभी कोई भी पैसे की मांग डॉक्टर साहब को नहीं की। अगर नहीं की तो सरपंच साहब तो पूछ लो उधर उस पिंड के, वो दस देंगे तुम सरपंच ब्लॉक समिति के मैंबर है।